टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मुंब्रा के मित्तल ग्राउंड में मुंब्रा इंडियंस प्रीमियर लीग क्रिकेट मैच अर्शिया वेलफेयर टेस्ट की तरफ से खेला जा रहा है और मुंब्रा में बड़ी संख्या में लोग क्रिकेट टूर्नामेंट करवा रहे हैं, मगर इन खिलाड़ियों के पास मुंब्रा शहर में क्रिकेट खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है। जहां खेलने की जगह है वहां ये खिलाड़ी अगर खेलने जाते हैं तो पैसों की मांग होती है। एक तरफ जहां मुंब्रा के नेता खेल को बढ़ावा दे रहे हैं, नेताओं का नारा है कि खेलेगा मुंब्रा, बढ़ेगा मुंब्रा, लेकिन सच्चाई ये है कि मुंब्रा में क्रिकेट फुटबॉल खेलने के लिए ग्राउंड ही नहीं है। मुंब्रा इंडियंस प्रीमियर लीग मित्तल ग्राउंड में खेला जा रहा है, ऐसे में रेजा रशीद ने बताया कि यहाँ भी काफ़ी कीचड़ था और 15 दिनों से इस ग्राउंड की साफ सफाई की गई तब जाकर ये ग्राउंड खेलने के लायक हुआ है। आज क्रिकेट मैच के दौरान अर्शिया वेलफेयर टेस्ट की अध्यक्ष रीदा रशीद और खिलाड़ियों ने प्लेग्राउंड की मांग को लेकर क्या कुछ कहा है। मुंबई इंडियन प्रीमियर लीग का ये चौथा सीजन है, इसमें कितनी जो है टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं? ये डिसाइडेड है हमारे, पहले तो सबको सलाम अलैकुम, डिसाइडेड है कि 8 टीम खेलेगी, 2 दिन का मैच है और 8 टीम इसमें खेलती है। फर्स्ट प्राइज सेकंड प्राइज में क्या कुछ रखा गया है? नहीं, हमने फर्स्ट प्राइज सेकंड प्राइज थर्ड प्राइज में ट्रॉफीज रखी हुई है, अभी कल हम लोग डिसाइड करेंगे अगर किसको क्या देना है, आज का मैच हो जाने के बाद डिसाइड करने वाले हैं। तो अभी तक कितनी टीमें खेल चुकी हैं? अभी तक हमारी 8 टीमें खेल चुकी है, 8 प्लेयर मैच चल रहा है, 8 मैच हो चुका है, तो अभी कल डिसाइड होगा कल फाइनल में कौन कौन खेलेगा, किस तरह खेलेगा। इस तरह क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करके आप किस तरीके का मैसेज देना चाहेंगे? देखो, पहली बात तो पहले भी मैंने किया है, पहला सीएम चषक किया था, फर्स्ट टाइम मैं भाइयों को सपोर्ट कर रही हूँ। और क्रिकेट ऐसा है क्या, आज मुंब्रा में युवा लोग बहुत खेलना चाहते हैं और क्रिकेट से बहुत लोग जुड़े हुए हैं हर जगह। देखो क्रिकेट के लिए, अब मेरे को लगता है ये हमारा पहला या दूसरा है, ऐसे 2-4 ऑलरेडी ऑर्गेनाइज किए हुए हैं क्रिकेट, तो मुझे लगता है काफ़ी युवा को खेलना है। आज हमारे युवा के साथ हमारे भाई लोग भी खेलते हैं, तो मुझे लगता है ये चीज़ बननी होनी चाहिए और खेलते रहना चाहिए, इसलिए मैंने भी इस बार सपोर्ट किया और इंशाल्लाह आगे भी करूँगी और मुझे भी अच्छा लगता है स्पोर्ट्स को सपोर्ट करना। मुंब्रा के अंदर क्रिकेट को बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है, लेकिन अगर मैं बात करूँ तो मुंब्रा के अंदर ग्राउंड की भी काफ़ी कमी है, ग्राउंड की दिक्कत है यहाँ पे, आप देख सकती हैं ग्राउंड को लेकर अब क्या कहें? देखिए, ग्राउंड की बात है तो इस बार जब मैं ऑर्गेनाइज करने निकली थी तो ग्राउंड से मुझे ही एक बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। जैसे कि स्टेडियम का जब बात आया, स्टेडियम में जो मैं बोलूँगी, स्टेडियम का जब एक आम टीम को खेलना है जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है और जिनको टीम बना के खेलना है तो स्टेडियम में खेल नहीं सकता है, क्योंकि जब एज अ संस्था मैं गई स्टेडियम का जब परमिशन मांगने के लिए तो वो लाखों में बातें हुई, बहुत लाखों में बात हुई, 2-2.5 लाख की बात हुई उन नाइट का, डे का डे 1-1.25 लाख की बातें हुई। तो मुझे लगता है ये बहुत सीरियस मुद्दा है क्या हमारे पास ग्राउंड नहीं है, तो मुझे लगता है या तो स्टेडियम फ्री कर दे सबके लिए या फिर ग्राउंड बना के दे, और ग्राउंड के लिए भी बहुत सारी जगहें है, अभी भी है मुंब्रा में, अभी भी खाई नहीं गई है, तो मुझे लगता है मुंब्रा में अभी जगह है, वो जगह दी जाए जो खास करके ग्राउंड बनाया जाए, या फिर अगर आप बोलोगे, यहाँ के लोग बोलेंगे स्टेडियम है ना, तो प्लीज़ स्टेडियम को फ्री करो और हर बच्चे के लिए, हर लोगों खेलने वालों के लिए फ्री करो, क्योंकि सब पैसा नहीं भर सकते हैं, क्योंकि इस बार मैं खुद ही इस चीज़ से गुजरी हूँ तो मुझे पता है स्टेडियम में मैं तक नहीं खिलवा सकी क्योंकि उतना पैसा नहीं भर सकता है कोई भी, तो मुझे लगता है स्टेडियम जब तक ग्राउंड नहीं दे रहे हो आप स्टेडियम फ्री करिए। मतलब हम आगे मान सकते हैं कि आगे चल के अर्शिया वेलफेयर की अध्यक्ष रीदा रशीद जी जो है स्टेडियम को लेकर कहीं ना कहीं बड़ा कदम उठाएंगे? बिल्कुल इंशाल्लाह, क्यों, क्योंकि ये बहुत सभी से जुड़ा हुआ है, ये सीनियर सिटीजन से लेके बच्चों तक जुड़ा है, आज जगह नहीं है मुंब्रा में। आज मित्तल ग्राउंड, मेरा ये चौथा साल है, मैंने मित्तल ग्राउंड भी, आज मैंने मित्तल ग्राउंड आधा देखा है, एक बार पूरा भी मैंने क्रिकेट यहाँ किया है, तो मुझे लगता है जब मित्तल ग्राउंड ये ऑप्शन भी ख़त्म हो जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास चीज़ें नहीं हैं, तो मुझे लगता है मित्तल ग्राउंड पे जब तक डेवलप नहीं होता है, जब तक यहाँ के लोगों ने और यहाँ के जो हमारे मंत्री है, यहाँ के नगर सेवक है, उन्होंने आने वाले कल में भी यहाँ के लिए पहला से पहला यहाँ का जगह देने का
विचार करें, और इंशाल्लाह अगर मैं आती हूँ या मैं यहाँ खड़े रहती हूँ तो ज़रूर मैं भी इस पर पहले काम करूँगी, क्योंकि एक मैं भी, मेरा बैकग्राउंड, मेरी बेटी एक स्पोर्ट्स से ही है, तो मुझे ऐसा लगता है ये चीज़ पहला होना चाहिए, सभी की लाइफ का एक जुड़ा हुआ ग्राउंड होना चाहिए। आप लोग क्रिकेट खेलते हैं लेकिन ग्राउंड को लेकर जिस तरह से मुमरा में तकलीफें हो रही हैं, इसको लेकर खास तौर पर आपके क्या विचार हैं, क्या कहें? ग्राउंड के लिए तो मुमरा में तकलीफ ही है, जैसे हम लोग ने अभी ग्राउंड के लिए बहुत मतलब तकलीफ उठाई है। हम लोग का 5-6 का ये टूर्नामेंट फिक्स हुआ था लेकिन यहाँ बहुत सारा पानी भर गया था, मतलब कि पॉसिबल ही नहीं था कि 17-18 को भी हम लोग टूर्नामेंट रख सके। तो हम लोग ने प्राइवेट पंप ला के भी पानी बहुत सारा ग्राउंड से बाहर निकाला है, और न जाने कितनी तकलीफें उठा के आज जरा खेलने के लायक एक ग्राउंड बनाया। तो ग्राउंड तो मुमरा में होना ही चाहिए, इसके सिवा चलेगा नहीं, क्योंकि बच्चे लोग आजकल नशे की लत जो लग रही है, तो खेलेंगे नहीं तो फिर वो नुक्कड़ पे बैठ के नशे का ही सेवन करेंगे। तो इसके लिए ग्राउंड तो बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए सब नेताओं को मिलजुल के एक स्टेज पर आके ग्राउंड के लिए मतलब फाइट करना चाहिए कि मुमरा को ग्राउंड मिलना ही चाहिए। नारा दिया जा रहा है खेलेगा मुमरा बढ़ेगा मुमरा, लेकिन ग्राउंड है ही नहीं, कैसे बढ़ेगा? नशे की तरफ बच्चे जा रहे हैं जी, इसके लिए ही तो ग्राउंड जरूरी है। इसके लिए सब नेताओं को एक लेवल पे, एक स्टेज पे आने की ज़रूरत है। ग्राउंड की कोई भी जगह पे अगर कोई भी बड़ा प्लॉट अलॉट करके ग्राउंड के लिए, तो सब इसके लिए हमारे मतलब एक कमेटी बने लिए ग्राउंड फाइट के लिए स्पेशल, वो भी लड़ रही है। जितेंद्र आवर साहब को भी इसका मतलब 2-3 बार हम लोग मिल के आए जाके। आज मैच का पहला दिन है, कल आखिरी दिन रहेगा, लेकिन खेलने के दौरान कैसी तकलीफें आप लोगों को झेलनी पड़ती हैं? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो ग्राउंड की जो तकलीफ़ है मुमरा में, इस साल से कुछ ज़्यादा ही तकलीफ़ हो गई है, क्योंकि अभी ग्राउंड मुमरा वालों के लिए बचा नहीं है, और ग्राउंड के अलॉटमेंट तो मुमरा में 3 जगह पे है, ऐसा जब हम लोग ने इसकी ये किया है इंक्वायरी, तो 3 जगह पे अलॉटमेंट है, उसके लिए हमारी कोशिश जारी है। और एक ग्राउंड भाई कोई पार्टी का मुद्दा नहीं है, इसके लिए सारे पार्टियों को इकट्ठा आके ये ग्राउंड के मुद्दे पे ग्राउंड मतलब मुमरा को दिलाना चाहिए, बस यही मेरी मांग है। हम भाई ने कहा 4 और 5 का हम लोग का टूर्नामेंट फिक्स हो गया था, हमने 2 दिन काम करने के बाद हमारे दूसरे दिन बारिश आ गया, उसके बाद इतने पानी से हमने घुटने तक पानी से मशीन लगा के पाइप लगा के इतना कुछ काम करके आज इतना अच्छा माशाल्लाह बनाया है, तो मुझे लगता है इसके बाद भी कोई इस पर खेलने आए तो हम जितना बोल रहे थे हमारे से भी ज़्यादा वो बोले, क्योंकि इन लोग का बहुत संघर्ष हुआ है, 15 दिन इधर मेहनत हुआ है, जब जाके ये ग्राउंड मित्तल ग्राउंड ऐसा आपको दिख रहा है, तो मुझे लगता है सभी को इसके लिए फाइट करनी चाहिए और सभी को बोलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज ग्राउंड तैयार है तो खेल के चले जाए, ऐसा नहीं है, सभी को बोलना चाहिए, और मुझे लगता है सब बोलेंगे भी इस बार, क्योंकि इतना अच्छा माहौल बना है, तो मुझे लगता है इस बार सभी बोलेंगे और सभी इसके लिए फाइट करेंगे।